जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नई एपिसोड के साथ अली कामरा को भी हाजिर खिदमत है। एक्सप्रेस में स्वाद मंडी विलियम फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप एंट्रेंस में आएंगे, सबसे पहली शॉप है विला पहलवान टिक्का शॉप। यहाँ पर इनकी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और लजीज किस्म के कबाब बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे ही होता लोगों का, जो मैं अभी थोड़ा आया हूँ, मुझे शूट के लिए मुश्किल होनी थी, इस वक्त यहाँ पर आकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप ये रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि इनके कबाब का साइज़ भी बहुत मुनासिब है, प्राइस भी इनकी रिजनेबल है, क्वालिटी तो छोड़ दे, बड़ी लाजवाब क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? खैरियत से है? आपका नाम? अब्दुल हमीद साहब, ये बताइएगा किस चीज़ के कबाब है, कितने टाइम में ये तैयार होते हैं, क्या क्या इसमें डाला है? कबाब है जी, ये जी बहुत ओल्ड शॉप है, बहुत पुरानी बड़े तारीखी मुकाम है। वेरी गुड, नहीं आपकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी तो है और क्वांटिटी भी आपकी बड़ी मुनासिब है, साइज़ बहुत अच्छा है इसका कबाब का। टेस्ट तो छोड़े, वो तो लोगों को लग गया, वो तो लोग स्पेशली यहाँ पे लोगों का रश बताता है कि जो लोग आते हैं खाते हैं याद करते हैं। माशाल्लाह फैमिली बहुत पुरानी, उनके वाली साहब, दादा और पोता दोनों आते हैं कभी कभी, ऐसे ही है। हाँ, तारीखी शॉप है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इस दुकान की, तारीखी है। बिल्कुल ग्वाल मंडी के आगाज़ में है व्यूअर्स, ये ग्वाल मंडी दाखिल होंगे पूसी चौक के बिल्कुल साथ ही आप एंटर होंगे, राइट साइड पर शॉप आएगी। और जो बिल्ला का शॉप जो है, ये इसकी हिस्ट्री है कि ये बहुत पुरानी शॉप है। शुरू शुरू में जब यहाँ पर टिक्के कबाब का काम शुरू किया गया था तो यहाँ पर इनके फादर ने किया था। इनकी हिस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है कि इनका एक मियाद जो है सेट है, जो टेस्ट आज से 70 साल पहले आज भी वही आपको मिलेगा। आज वही टेस्ट, आज वही टेस्ट है हमारा। कितने साल हो गए इस दुकान को? जी इस दुकान को कम से कम 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, ऐसे ही ये पाकिस्तान की सबसे पहली और पुरानी शॉप। अच्छा माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर आपका नाम है? हुसैन। हुसैन साहब, आप ये बताइएगा दुकान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, जो नाजी हमें देखे उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, क्या है ये शॉप की हिस्ट्री? कितनी पुरानी शॉप है? 1963 पुरानी शॉप। अच्छा जी, और क्या क्या आपकी स्पेशलिटी, क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं? हमारा मटन चाप, मटन टिक्का, मटन कबाब बहुत मशहूर, मटन चाप बहुत मशहूर, मटन चाप सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। और माशाल्लाह कहते हैं दादा से लेके पोते तक यहाँ पे आते हैं, फैमिलीज का यहाँ पे 40-40 साल से आना शुरू है, वो आते हैं और आज भी आते हैं। अगर उनके दादा आते हैं, वालिद आते हैं, तो बेटा भी यहीं पर आता है। ये आपकी क्वालिटी की वजह से और आपका मियार अच्छा है। थैंक यू। जी मियाँ नवाशी साहब आए थे जी, हाँ जी, वो तो निस्पर उड़ के पुराने रहने वाले हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्ला साहब के पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उनकी तो फैक्ट्री भी यही थी। वो आपके पुराने कस्टमर हैं, उनके मियाँ साहब आपके पुराने कस्टमर हैं, ऐसे ही है।
Yeah, I'm going to go.
फूड स्ट्रीट में विजिट किया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर विजिट किया है इस वजह से कि एक तो ये 65 to 70 ईयर्स ओल्ड शॉप है, इसकी एक हिस्ट्री है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यहाँ ग्वालमंडी में रहते थे तो उनका भी यहाँ पर रिहाया करते हैं और आज भी उनके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके यहाँ पर फूड को इंजॉय करने के लिए आते हैं। आज के सेगमेंट में अली कामरा फूडी को इजाज़त दीजिए, अगले नए सेगमेंट में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।